राजू शर्मा किसान नेता जिला पंचायत सभापति के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले 12 सूत्री मांग को लेकर प्रयोग संस्था सासाहोली में बैठक रखी गई थी, जिसमें 50 गांव के किसान सम्मिलित हुए। प्रमुख मांगों को लेकर अनुभागीय अधिकारी प्रकाश टंडन को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांगे तिलदा नेवरा बाईपास रोड का निर्माण, कुम्हारी जलाशय समुदा महानदी के से अडानी पावर प्लांट के पास से पाइपलाइन का विस्तार, तिलदा नेवरा में पॉलिटेक्निकल कॉलेज शीघ्र खोला जाए एवं तिलदा के तालाब को भरा जाना, अटल ज्योति योजना के तहत 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक विद्युत कटौती बंद, तिलदा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम तारपोंगी में पुलिस चौकी खोलना ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से सरोरा सरपंच बिहारी राम वर्मा, संदीप वर्मा और किसान भारी संख्या में उपस्थित थे। तिलदा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। आज प्रयोग संस्था सासाहोली में किसान संघर्ष समिति की किसानों की समस्या को लेकर और क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक रखी गई है। बैठक के माध्यम से 12 सूत्री मांग का ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी तिलदा को सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से। उक्त मांगों में पहला मांग है, तिलदा नेवरा एक औद्योगिक क्षेत्र है और व्यावसायिक केंद्र है, जिसका मार्ग तिलदा सिमगा खरोरा मार्ग है, जो कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी और व्यवसाय के बीच से गुजरता है, जहां आए दिन काफ़ी एक्सीडेंट और बेमौत एक्सीडेंट के कारण होती है। तो तिलदा नेवरा में खरोरा तिलदा सिमगा रोड पर बाईपास बनाया जाए, प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है हमारी कि जो तिलदा से सासाहोली से सांकराब जाने का मार्ग है 10 किलोमीटर का, वो मार्ग काफ़ी जर्जर हो गया है, उस मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण किया जाए। तीसरा मांग हमारा है कुम्हारी जलाशय, जो 1919 में अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया था, 1923 में कंप्लीट हुआ, वो 1000 एकड़ में फैला हुआ है, उसमें